मैं भाई एक काम करूँ, लेट ले आओ अपनी अपनी। यही है भाई वो डेंजरस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है और अभी हम श्रीनगर से निकले हैं द्रास के लिए। और आज का हमारा जो नाइट स्टे होगा वो द्रास में होगा। अभी समय जो हो रहा है वो 9:30 हो रहा है और हम शाम तक 6-7 बजे तक ही द्रास पहुंचेंगे। द्रास हम सोनमार्ग, बालटाल और जो जोजिला पास है होते हुए हम द्रास पहुंचेंगे। द्रास तकरीबन यहाँ से 160 किलोमीटर है और रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यू हमें देखने को मिल सकते हैं और इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो अच्छे अच्छे व्यू है वो आपको दिखाएं। और आज का लंच भी हम रास्ते में कहीं पे कैंप लगा के वहीं पे बनाएंगे। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप वो एक्सपीरियंस जो हमने किया है वो भी आप भी उसके मज़े ले सको। तो जुड़े रहिए वीडियो तक। यहाँ से जो है वो सोनमार्ग स्टार्ट हो जाता है और स्कूल के आगे सोनमार्ग जो स्टार्ट होता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, ग्रीनरी है और सामने दोस्त जो आप देख रहे हो सोनमार्ग आ गया है जो नई लोकेशन है। यहाँ पे ही टूरिस्ट की काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं और अभी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हमें द्रास जाना है और हम आगे कहीं कैंप लगा के हमें खाना भी बनाना है। और यहाँ से जो द्रास है वो 58 किलोमीटर रह गया है, हम तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। अभी हम एक नीचे काफ़ी अच्छी लोकेशन दिखी है तो वहाँ पे जाके हम अपना कैंप लगाते हैं और आज का लंच वहीं पे बनाएंगे। एक नदी है और नदी के किनारे ही हम अपना सेटअप जो है वो सेट करेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए कि कैंपिंग वगैरह हम कैसे करते हैं। कैंपिंग वाली लोकेशन पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी जो है वो आ रही है उधर से, अमित भाई गाड़ी लेकर नीचे आ चुके हैं। हेलो। और अभी हम उस पे आगे किनारे पे गाड़ी लगाएंगे सामने और यहीं पे कैंप सेटअप करेंगे। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, चारों तरफ देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है, पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे और उसके बीच में से नदी बहती हुई, काफ़ी ठंडा पानी है नदी का। और इस पहाड़ की बैक साइड में है अमरनाथ की गुफा का जो रास्ता जाता है बालटाल होके। अभी हम बेसिकली बालटाल वाले बेस कैंप पे ही हैं, यहाँ से बालटाल 5-6 किलोमीटर ही है। तो चलो कैंपिंग सेटअप करते हैं और आपका ना लंच बनाते हैं।
हमारा जो लंच है वो बन गया, सैफ अमित ने बना लिया है और अभी अनुज भाई यहाँ पे क्वालिटी चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि कैसा बना हुआ। और अभी इन्होंने उठा लिया अपना फ़ोन, फ़ोन से स्कैन करेंगे पहले पिक फिर चेक की। ले भाई एक काम करो, लेट ले आओ अपनी अपनी। अभी हमने लंच कर लिया, बैकअप कर लिया और हम दोबारा चल रहे हैं द्रास की तरफ। यही है भाई वो डेंजरस। ये तो है वो डेंजरस भाई। ये कच्ची तो पहाड़ है भाई, कब क्या पता क्या हो जाए इसमें, कोई भरोसा नहीं। नहीं वैसे भी डेंजरस है और वैसे भी डेंजरस है। अब जैसे ट्रक आ जाए आगे से दो, एक के भी छेक करके निकाल लो। अब एक इधर से एक इधर से और अब तो फायदा कि इधर चले हैं ना, तो कुछ नहीं पता। वैन चल ये जो ये किया देखिए बिजली की लाइन जा रही ना, ऑस्ट्रेलिया कंपनी तो इंडिया की थी, ऑस्ट्रेलिया था वो मंगाया था एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जो वेट था वह पता नहीं 6 मिनट। हाँ हाँ देखी थे ना वो एपिसोड डिस्कवरी पे, मैंने देखा था पता नहीं ना हिस्ट्री पे पता नहीं डिस्कवरी पे, उन पर टाइम था कुछ 1 महीने का और बंदे ने वो पूरा कर दिया भाई। और आर्मी वाले खड़े रहे गेल की गेल। हाँ क्योंकि लोग काम नहीं करने थे ना उठाया घाटी में कश्मीर में, ये बूर बूर होगा गिरने लग रहे हैं। छान लग रहा है, जर लग रहा है इसके अंदर लकड़ी की वो गिर रही हो ना छान से उस तरह लगा। नहीं पेटे की नहीं गुजर। हाँ हाँ बूर का बहुत ज़्यादा ये यहाँ कैसा वहाँ कैसा छेक मार कर देख रखी टेस्टिंग तो करा है नहीं की फिर वही आगे लकड़ी की किस तरह खड़ा पड़ रहा है। नीचे नदी आ गई, नीचे नदी आ गई भाई। फिर वो तो जहाँ हमने खाना खाया बस वो तो लास्ट स्टॉप था, फिर उसके बाद तो क्या गाड़ी के बाद वो उधर बाल्टल रास्ता निकल जाता है फिर अपने कैंपिंग सड़क पे होती। हाँ फिर तो बन रहा था, तो बोल रहा था ऊपर से आगे 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 जितना कवर कर लो पहले। भाई देखो कैसे ऊपर से ऊपर तारे लेके जा रहे हैं भाई अमित चुतड़ बाटा और अपन उसी लिखली लिखाड़ लिया गना ये सारे मंदिर थे छोटे छोटे पहाड़ देंगे तो भाई डर लग रहे भाई मम्मी ये बात तो सही है। वो तो जो किसी के ऊपर गिर जाए नहीं ना उड़ेगा ना पड़ेगा सब तो बोल सीधा ऊपर काम चाहिए ग्रैंडिंग जयपुर टर जयपुर वाले पत्थर आ गए भी ये तो कच्चे थे नहीं था अभी कौन से जयपुर में थे पहाड़ पर एक बात अभी ग्रेफाइट लग रहा है मैंने। On the bend, go slow, friend. मार ले अंदर इसकी फोटो। मार ले पत्थर बड़ा सारा। काट काट काट। मैं कह रहा हूँ वो फोटो ले लो अंदर स्लोगन ले रहा था। On the bend, go slow, friend. तेरी याद हो गया ना? बस। कह रहा हूँ फोटो। वो देख जड़ ना देख कितना सेक्स किया। वो जा साले में नाड़े के दान। तो कुछ जब तू दबा कर मैंने किल ना सफ़ा कर तेरा मस्ती लग रही तभी तो बट अगर छोट तो कहेगा I am loving it ना वो आ गया रे अपन को लग गई डायरेक्ट गले में लगा
गए थे ना 32 रात पर बिस्तर गरम करके पड़ा था लगा ना हीटर से बिस्तर में पता नहीं हां ना सावन नगर का गरम नारोवे पड़ जाए सही तो यार 16000 रुपए में क्या मिला रवि ये पाइप करता था भाई ऊपर से पूरी तो दबरी है दबर दी भाई ना तो पाइप दब दी अरे उसी तो दबरी है पत्थर तला वो देख पानी बस तो बता दी देख तेरे मैं कहते पाकिस्तान था ये हाँ तो मुख्य देखी गजू 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 तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं द्रास। द्रास हमने टूरिज्म का गेस्ट हाउस यहाँ पे लिया है और ये गेस्ट हाउस में रूम जो हमें है वो 1000 रुपये में पड़ा है। अच्छा रूम है और यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 डबल बेड इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है और 2 गद्दे इसमें अलग से एक्स्ट्रा लगेंगे जो ये चेयर्स हैं इनको हटा के यहाँ पे सीटिंग हो जाएगी। और ये सामने इसका वॉशरूम है तो हम भी साफ सुथरा है। तो आपको मिलते हैं हम सुबह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।